सो ऑल राइट हे गाइस, वेलकम है आप सबका मेरे इस ट्यूटोरियल में। और आज मैं आपको बताऊंगा कि मेरा गॉडजिला कंसेप्ट आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं फोटोशॉप में, और इजली सारी चीज़ें मैं बताऊंगा जल्दी जल्दी। और रिक्रिएट होगी ये इमेज, तो थोड़े बहुत कलर डिफर हो सकते हैं, लाइक दिस एग्जैक्ट सेम नहीं आएगा, लेकिन हाँ ज़रूर अच्छा आएगा, ऐसा ही आउटपुट आएगा। सो यहाँ मेरे पे ये सारी PNGs हैं पहले से गॉडजिला कंसेप्ट की। तो मैं सबसे पहले इंपोर्ट करता हूँ बैकग्राउंड फोटोशॉप में, ठीक है। तो ये बैकग्राउंड आपको मिल जाएगा और आप इसे यूज़ कर सकते हैं कहीं पे भी, और जब भी यूज़ करें तो आप ज़रूर मुझे मेंशन करें, मैं ज़रूर चेकआउट करूँगा आपकी पोस्ट को और ज़रूर शाउट आउट दूँगा, ठीक है। तो यहाँ मैं इन्हें अनहाइड कर देता हूँ लेयर्स को, कि मुझे अच्छे से वर्क करना हो रहा है कि मैंने क्या क्या स्टेप करा और आप क्या क्या मिस ना करें, ठीक है। तो फोटो यहाँ तक तो मैंने आपके साथ शेयर कर रखी है, और ये भी शेयर्ड है बैकग्राउंड में, और ये भी यहाँ तक, और ये लट डला हुआ है। मतलब आपको इतनी चीज़ें मिल रखी हैं पहले से ही BG में कन्फर्म्ड, ठीक है। कोई आपको इतना पार्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद इंपोर्ट करते हैं मुझे, ठीक है। तो यहाँ मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ अपने आप को, और लाइक एक बढ़िया सा पार्ट की, हाँ यहाँ सही लग रहा हूँ या यहाँ, ठीक है। तो अपने आप को अलाइन करके रख लेता हूँ। अभी जो ये नीचे का पार्ट है, तो इसे कैसे सही करेंगे वो भी बता देता हूँ मैं। यहाँ मैंने हेज डार्क दे रखी है, आप इसे लें और यहाँ पे जब पुट करेंगे तो आप देख सकते हैं कितना एटमोसफेयर अच्छा सा हो गया, और वो नीचे पैर भी हाइड हो गए हैं, और फिर उसके ऊपर से वाइट हेज डाल दीजिए आप ऐसे, तो ये आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट ब्लेंड हो गया है, और हम इमेज में भी बहुत आ चुके हैं सही पॉइंट तक, ठीक है। यहाँ हमने ये इम्पोर्ट कर लिया है, ये कर लिया है, और वाइट हेज यहाँ पे, ठीक है। हमने इतना पार्ट कंप्लीट कर लिया है अब, ठीक है। अब आता है कि क्रो इंपोर्ट करें हम अपना, ठीक है। क्रो बहुत ही मेन रोल है, क्रो को इंपोर्ट करते हैं, जहाँ पे भी एक सही पॉइंट लगेगा कि हाँ यहाँ क्रो अच्छा लग रहा है तो हम वहीं पे इंपोर्ट कर देंगे, ठीक है। तो एरो की से आप इसे सही से सेट करा सकते हैं अपने कहीं भी कंधे पे या जहाँ आपको कराना है, ठीक है। तो यहाँ ये सही लग रहा है मुझे। अब इसके बाद इसके नेक में मैंने चैन भी बनाई है अपने इसमें, तो चेन भी बना देते हैं, लाइक इससे थोड़ा एस्थेटिक लुक आ जाता है बस, और कुछ नहीं, जस्ट मुझे सही लगा था तो इसलिए मैंने पहना दिया, और कुछ न्यू लगने के लिए भी मैंने रखा था, तो यहाँ ये अच्छे से फिट बैठ गई है चाहे, ठीक है। तो हम अपनी PS3 में कहाँ तक आ गए हैं, यहाँ तक क्रो इंपोर्ट हुआ है। अभी बहुत सारी चीज़ें रह रही हैं, लाइक जैसे ये लाइट रह रही हैं, बॉडी रिम लाइट रह रही हैं, तो ये सब भी अभी मैं बताने वाला हूँ, जस्ट एक बार सारी चीज़ें फाइनल हो जाए, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे मून इम्पोर्टेड है पहले से, इसमें मून की मैंने अलग से PNG दे रखी है, अगर आपके पास ना हो तो आप मून की PNG अलग से ले सकते हैं ये भी। और यहाँ की हमने सारी चीज़ें यूटिलाइज कर ली हैं लगभग, ठीक है। अब आते हैं रिम लाइट की तरफ, जो सबसे मेन पार्ट है और इस फोटो में जान डालेगा, ठीक है। तो यहाँ हम एक न्यू लेयर बना लेते हैं, और फिर एक ब्रश लेते हैं, सैम्पल ब्लैक लेते हैं कलर का, ठीक है। और यहाँ से आना है आपने सॉफ्ट राउंड ब्रशर, अगर नहीं है ब्रश तो सेटिंग में जाना है और रिस्टोर डिफ़ॉल्ट ब्रश करना है, तो ये सारे ब्रश हट जाएंगे और ये ब्रशेज आ जाएंगे। अगर आपको करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि ये मेरे से 2020 का जब मैंने अपडेट करा था फोटोशॉप, तो ये आ गए थे अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट, तो आप भी अपडेट करके देखें तो ज़रूर आ जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं रिम लाइट की तरफ। तो यहाँ सबसे पहले जो भी रिम लाइट क्रिएट के लिए है, आपको बहुत छोटा ब्रश करना पड़ेगा। रिम लाइट मैं यहाँ क्रिएट नहीं करके दिखा रहा, यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ,
क्योंकि मॉन्स्टर के ऊपर बहुत ज़रूरी है और इस पर आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ ये आप देख सकते हैं कितने प्यार से मैं रिम लाइट धीरे धीरे ड्रॉ करूँगा अभी। सो यहाँ ऐसे आराम आराम से जहाँ आपको लगे कि लाइट आ सकती है मून की, वहाँ वहाँ आपको करना है। ठीक है, जैसे ये एरिया हो गया, और थोड़ा सा ब्रश को इंक्रीज भी कर लें साइज में। ठीक है, ये पार्ट्स तो आप देख सकते हैं रिम लाइट कैसे अच्छे से ड्रॉ करी है यहाँ पे और कितना डिफर डाल रही है रिम लाइट। ठीक है, और अभी थोड़ा आप डीपली करेंगे तो वो और अच्छी हो जाएंगी। सो मैं यहाँ ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए थोड़ा मैचिंग में गलती हो, अब यहाँ पे रिम लाइट डालता हूँ मैं। ब्रश न्यू लेयर लेके तो ये ड्रैगन के नाम से रख देता हूँ और इसे कर देता हूँ नी। और फिर यहाँ आपने कैसे ड्रॉ करनी है, थोड़ा और छोटा ब्रश करना है और फिर यहाँ ऐसे स्ट्रोक्स मारने। ठीक है, नेक पे थोड़ा सा, नोज पे एक स्ट्रोक ऐसे रखे हैं भी और यहाँ पे भी। ठीक है, अब इरेज कर दीजिए यहाँ से थोड़ा थोड़ा। तो ये थोड़ी थोड़ी ट्रिक्स होती हैं जल्दी जल्दी वर्क करने के लिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रिम अच्छे से क्रिएट हो गई है और इस पे भी क्रिएट कर रखी है मैंने रिम। यहाँ भी आप थोड़ी सी रिम क्रिएट कर सकते हैं और वो अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा ग्रो भी। और यहाँ नेक पे भी है थोड़ी रिम क्योंकि लाइट यहाँ से फॉल ऑफ ज़रूर होगी। और इसके लेग्स पे भी आपको ड्रॉ करना है, लेकिन लेग्स के लिए ब्रश को थोड़ा और छोटा करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ ये अच्छे से रिम ड्रॉ कर दी है मैंने। और फिर एक पॉइंट आता है हेयर्स में, तो हेयर्स का भी अलग करें आप यहाँ से। ठीक है, और फिर यहाँ धीरे धीरे जो भी आपको लगे यहाँ पे। ठीक है, और फिर फ्रंट्स में भी थोड़े हेयर्स पे कर देना। ठीक है, और फिर उसे यहाँ से आप हटा देना है थोड़े थोड़े ब्रश से। ठीक है, बस लाइक एज टाइप से कलर होते हैं जो, तो उससे क्या होगा कि एक मेंटलिटी क्रिएट हो जाएगी लाइट यहीं से फॉल कर रही है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ आपको एक लेयर बनानी है कर्व की, और कर्व करना है ऊपर। ठीक है, और फिर कर देना इन्वर्ट। फिर जहाँ जहाँ आपको लगता है कि लाइट पड़ सकती है तो वहाँ वहाँ आप थोड़ा थोड़ा लाइट देते हैं। ठीक है, बॉडी पे कि एक रियलिज्म आ जाए वहाँ वहाँ पे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कितना डिफर पड़ा एक एक ही बारी में, नहीं तो फोटो हमारी अंडर एक्सपोज हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपको जस्ट एक स्टैम्प लेयर बनानी है। ठीक है, और यहाँ से शिफ्ट कमांड ए प्रेस करना है आपने और अपना इस टैब में आना है, और जो भी आपकी कलर ग्रेडिंग आपको अच्छी लगती है आप वो चूज कर सकते हैं। मुझे फेडेड और डल कलर अच्छे लगते हैं, तो यहाँ मैं डल और फेडेड ही यूज़ कर रहा हूँ अभी।
क्लैरिटी को आप इंक्रीज कर सकते हैं, टेक्सचर को थोड़ा सा डिक्रीज या इंक्रीज करें, और वाइब्रेंस को कर सकते हैं। और मेन यहाँ कंट्रास्ट प्ले करता है कि आपका कैसा रहेगा कंट्रास्ट और आपको कितनी एक्सपोज्ड इमेज चाहिए, तो यहाँ पे ये सही है। और अब थोड़ा ह्यूएन सेचुरेशन में प्ले करें क्योंकि मेन कलर यहीं से ही आता है। लगभग वो कलर मिल गया, लेकिन अब यहाँ पे लाल हो गया मेरा चेहरा, तो इसे भी हटाते हैं, एलिमिनेट करते हैं इससे, और लुमिनेंस से थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ कितना फर्क पड़ गया है कलर ग्रेड से, और जस्ट इतना ही था इस फोटो में, क्योंकि बाकी चीज़ें जो मैंने मैटिंग करी है और इसमें क्रिएट कर रखी है वो यहाँ यहाँ पे है, ग्लो क्रिएट है, तो वो सब बिल्ट इन ही है आपके बैकग्राउंड में। आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इस पॉइंट में, क्योंकि मैंने यहाँ मून में भी बहुत मेहनत करी है और इस पे भी कर रखी है, इन चिड़ियाओं पे, और ये पीछे हेज भी क्रिएट कर रखी है, तो जस्ट ये सारी हेज सब एक में मर्ज कर दिया मैंने कि आपको प्रॉब्लम ना हो। सो लाइक दैट मैंने आप सबके लिए पूरा बनाया है। सो थैंक यू गाइस कि आपने ये ट्यूटोरियल वॉच करा, और ये बहुत ही इजी था आपके लिए क्रिएटिंग में, मेरे लिए इतने टफ था, लेकिन ज़रूर इसे यूज़ करें और अच्छी अच्छी चीज़ें क्रिएट करें और मुझे टैग करें। ठीक है, थैंक यू गाइस।